हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज मेरी न्यू वीडियो का टाइटल नेम है नरांदी ओका प्लोग, जो साउथ का एक सॉन्ग है जिसके मूवी का नाम है मिस्टर कार्तिक, और ये रजनीकांत के दामाद मतलब कि सन इन लॉ की मूवी का सॉन्ग है। तो उसके ऊपर ही रिएक्शन देंगे, उसके बाद में सारी डिस्कशन आपसे करेंगे कि किस बेस में रिएक्शन दिया और क्यों दिया और कैसे दिया। पहले सुन लेते हैं, उसके बाद भाषा देखो, हिंदी नहीं है ना, इंग्लिश है, तमिल की भाषा है। तमिल में तीन चार कैटेगरी होती है, कन्नड़, मलयालम और तमिल। अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि पता नहीं कौन से बेस पे, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है इतना पता है मुझे। स्टोरी अच्छी होती है ना उनके बेस की। वहाँ की यहाँ पे तो खैर थोड़ा लसन है भी, मेरे ख्याल से पुरानी मूवी एक रही होगी। आवाज कॉल कर लेते हैं सॉन्ग के। वो मैंने आवाज नहीं फुल कर रखी, इस बेस पे हो रहा है। रोमांटिक मूवी लग रही थी। दुनिया का रिएक्शन कैसा था? आवाज कम करके बता दिया। నన్నది ఒక పలుకే, నువ్విన్నది ఒక పలుకే, అవి ఊహల సరిగమలే ముద్దు మూరిపాలే, నా కన్నుల నీ కలలే, నీ కన్నుల నా కలలే, జత చేరితే మధురిమలే నెరవెన్నెలలే కురవాలే। ऐसे देख के लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो बस के ऊपर जो कपल दिखाए थे कहीं ना कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे उनके पहनावे और सॉन्ग का लुक देख के। दो जन्म की कहानी है क्या इसमें? मुत्तु 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 स्वामी सुन जो నన్నది ఒక పలుకే, నువ్విన్నది ఒక పలుకే, అవి ఊహల సరిగమలే ఇడ్లీ వడ విజువల్ దేఖ కే లగా రహా ఫిల్మ్ కుచ్ జ్యాదా హి పురాని హై। एक हजार अस्सी में डाउनलोड करा है तभी ऐसा है। मान लो इसे 144 240 या 360 करना तो कैसा आता है जब 1080 में ऐसा है। भाई आवाज की बुझा रही है तो सारे खा गई, पड़ोस के भी लाके खिलाओ उसे। मंदार पुवा नन्नु ऊरिन सके कल्लल्लो दागी नन्नु कौविन सके यनलो नियास पुरिवि पेवेडा ज्यादा इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा छोटा मोटा नहीं बोले। सॉन्ग के ऊपर इन लोगों के गाने अच्छे लगते हैं, स्टोरी बॉलीवुड से तो अच्छी है। अच्छा गांव से शादी होने के बाद ही दोबारा शहर में जाते हैं ये शहर है, गांव में दोबारा आ गए उसके अंदर। भिवानी आशिकी करुणिक्षवे
वो ज्यादा लंबा मतलब पूरे गाने में आधी स्टोरी समझा दी इसने यार, दिखाते दिखाते नदी वो कपल के लुबी नदी वो कपल के अभी रूहल सरी का मन अच्छा वहाँ की एक खास बात है, जो आदम तो ट्रेडिशनल ड्रेस में स्विमिंग पूल कर स्विमिंग करती है यहाँ की और साउथ की, मतलब ड्रेस चेंज नहीं होती है, अच्छी बात है सांस्कृतिक। अब वो गाना हो चुका है पूरा का पूरा खत्म, अब इस पे मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस मतलब अपना ओपिनियन मतलब मेरे मुझसे कुछ ज़्यादा आजकल निकल रहा उल्टा सीधा, आई एम सॉरी मैंने स्टार्ट करा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो 100 में से 1 सेकेंड कार्टून से कहा चल रहा है, मेरी वीडियो 100 में से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, 90% मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट थिंग आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सॉन्ग में रिएक्शन क्यों दिया, अब देखो ये चीज़ पता चल गया इस वजह से दिया क्योंकि इन भाई का मैं जैसे कि हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ और आप मैं अपना पूरा बोलने के बाद कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो आपको लोग वो मेरा रिएक्शन एक्सपेक्टेशन इम्प्रेशन एंड क्या कहते हैं ऐसे वही मतलब रिएक्शन कैसा लगा, तो उस बेस पे ही मैं उसके बाद ये भी बोलता हूँ कि आपने कमेंट कीजिए कि आप लोगों इस वीडियो के थ्रू भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसी भी लगी हो, जो भी आपके मन में आया कुछ भी थोड़ा बहुत भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपके मन में कुछ भी आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन भाई की रिकमेंड पर मैंने ये वीडियो में रिएक्शन दिया है, साउथ की है वीडियो, अब देखो सुपर स्टार ही बहुत बड़ा, साफ सीधी बात है बहुत बड़ा सुपर स्टार है साउथ के, तो मुझे मेरा कोई इतना बड़ा रंग खा नहीं हूँ कि इसके उस पर रिएक्शन दो। देखो साउथ के गाने और फाइट थोड़ी ओवर एक्टिंग होती है लेकिन फाइट में तो फिर भी सुधार आ रहा है धीरे धीरे, अल्लू अर्जुन की नई मूवी आई थी पुष्पा उसमें मैंने देखा कि फाइट में तो काफ़ी सुधार आ रहा है और मेरा फेवरेट भी। और दूसरी चीज़ इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ा था तो ज़्यादा समझ में नहीं आया लेकिन जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है उतना तो मैं बताऊँ, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शादी ब्याह में जाते हैं फोटोशूट वगैरह या मतलब कि कॉन्टैक्ट वगैरह कॉन्टैक्ट बेस पे होता है क्योंकि ज़्यादातर तुमने देखा होगा होटल में रूम रहते हैं अलग अलग जाते हैं फिर शादी ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब कुछ भी करते हैं शादी से रिलेटेड ही होता है, शादी करवाते हैं या उनका ठेका लेते हैं कि हम सारी शादी की प्लानिंग करेंगे, शादी की सारी प्लानिंग करेंगे और बाकी सारी चीज़ें बताएंगे और ये हल्दी रसम ये वो सारी चीज़ें करेंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आया। अब देखो बस मैं यहीं तक बोलना चाहता था। और दूसरी चीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर मत करना क्योंकि शेयर से कुछ ज़्यादा फड़ता नहीं है साफ सीधी बात। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और जो सा भी आपको मेरे वीडियो देख के कुछ भी आपके मन में आया ए बी सी डी अभद्र भाषा अपने मौलिक अधिकार का यूज़ कीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो प्लीज़ कमेंट हियर एंड मेंशन मी आल्सो एंड धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब।